नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाबा गैंग के प्रमुख रोहित कल्याणा की ओर से एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बदमाश ने दादरी के एक दुकानदार से व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती देने और किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दुकानदार की शिकायत पर सिटी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर बाबा गैंग प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू किया। बदमाश रोहित पर विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेते हुए पूछताछ शुरू की है। डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में बदमाश को मीडिया के समक्ष पेश किया और पूरे मामले की जानकारी दी। डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेशल स्टाफ ने आरोपी बाबा गैंग प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू करते हुए कोर्ट से रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया कि रोहित पर पहले भी विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की ओर से बदमाश से मोबाइल और अन्य सामान बरामद करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता विकास अहल्यान की रिपोर्ट। मुकदमा नंबर 204, डेट 3/7/2022, अंडर सेक्शन 387/506 IPC थाना शहर में दर्ज हुआ था। कल ये सचिन से रोहित ने आरओ कल्याणा ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी और मरने की धमकी दी थी। कल ही स्पेशल सेल को ये टीम हमने भेजी थी माजरा से इसको दुबलधन माजरा से रोहित को गिरफ्तार कर लिया। आगे आज पेश करके इसको पुलिस रिमांड पर लेंगे। एक दिन का पुलिस रिमांड पे लिया है। आज और इससे गहनता से पूछताछ करेंगे। पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हैं सर इसके? पहले हैं मुकदमे, इसके 10-11 मुकदमे पहले दर्ज हैं। तो उनमें भी जांच चल रही है या उनमें सजा हो चुकी है? नहीं, कोर्ट में अंडर ट्रायल। सर इसने धमकी फोन पे फोन पर दी ठीक है, वीडियो कॉलिंग से। हाँ, देखते हैं, आज पूछताछ करेंगे इसका। एक दिन का ये रिमांड पर। कोई हथियार वगैरह पाए गए सर इनके पास? हाँ, हथियार नहीं है। क्या कुछ कब्जे में लिया गया सर इनसे जब पकड़े गए हैं? तो फोन बरामद करना है, फोन बरामद करना है और उसके बाद जो और भी आएगा उसमें सबकी समझे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।